अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग बनाएंगे मज़ेदार हलीम की रेसिपी, जो मुहर्रम में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत इजी स्टेप के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे, तो आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो इसके पहले हमें कुछ दालों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मैंने लिया है चना दाल 200 ग्राम है, इसके साथ साथ मसूर दाल की भी 200 ग्राम है, तुअर दाल है 200 ग्राम और 200 ग्राम मूंग की दाल। तो ये चारों दाल हमें ले लेना है। साथ में जो है मैंने लिया है दलिया। हम गेहूँ यूज़ नहीं करेंगे इसमें, गेहूँ की जगह हम दलिया यूज़ करेंगे, जो कि 150 ग्राम के करीब है। और साथ में मैंने चावल लिया है, ये भी इक्वल क्वान्टिटी में 100 से 150 ग्राम के बीच में। और हमने लिए हैं चवले, ये भी 200 ग्राम है। आप चाहे तो इसकी क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये सारी दालें और चीज़ें हमें चाहिए। हम जो है दलिया और चावल को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो मैंने दलिया और चावल अलग कर दिए हैं, साथ में जो मैंने बाकी की दालें थी उन सबको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें नमक जो है मैं दाल की क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग डालूंगी। तो जो है 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। साथ में जो है हम इसमें डालेंगे हल्दी, जो है 1.5 चम्मच के करीब। तो 1.5 चम्मच हल्दी हमने इसमें डाल दी है। नमक जो है आप दाल के हिसाब से डालेंगे, और गोश्त में जो है गोश्त के अकॉर्डिंग डालेंगे, तो कभी भी खिचड़े में का नमक जो है कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी, इतना कि दाल अच्छे से भीग जाए, क्योंकि इन्हें हमें बहुत ही नरम करना है ताकि मैश करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आप देख सकते हैं पानी इतना डाला है कि दाल आराम से डूब गई है। तो मैं इसको लिड को कवर कर देती हूँ, और लिड कवर करने के बाद हम इसमें 3 से 4 सीटियाँ दिलवा देंगे। दाल जो है हमें बिल्कुल नरम होनी चाहिए, तब तक हमें इसे पकाना है। दाल जो है काफ़ी अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से दाल गल चुकी है। बस इसमें हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसको बीटर से या चम्मच से हल्का हल्का मैश कर दीजिए, ताकि जो छोटे छोटे गुठले बन रहे हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाए। ऐसे ज़्यादा बीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे से गल चुकी है। मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने यहाँ बारीक काट लिया है। इसके साथ साथ धनिया और पुदीना लेंगे, जिसे बारीक अच्छे से धो के काट लेंगे। और साथ में मैं जो है तली हुई प्याज डाली है। इसकी रेसिपी अगर आप चाहिए तो मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। और 2 से 3 हरी मिर्ची गार्निशिंग के लिए रखेंगे। तो जो चावल और दलिया हमने साइड में किया था, उसे अच्छे से पहले धो लीजिए 2 पानी से, और उसे हम अलग से प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब इसमें जो है पानी ऐड करेंगे, इतना कि या चावल और दलिया आराम से गल चुके। तो इसमें जो है तकरीबन मैंने 200-250 ml पानी डाला है। इसमें अभी हम नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दाल में काफ़ी नमक ऐड कर चुके हैं। बस की लिड कवर करके 2 विसल आने तक वेट करेंगे। 2 विसल आने के बाद आप देख सकते हैं चावल भी अच्छे से गल चुके हैं और दलिया भी। अब इसे जो है हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा बारीक पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो इसका पेस्ट बनाने के लिए नॉर्मल जो ग्राइंडर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्राइंडर यूज़ नहीं करना है, अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है, तो उसमें भी आप इसमें डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। तो चलिए इसे फूड प्रोसेसर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने जो है दलिया और चावल फूड प्रोसेसर में पूरा डाल दिया है, जिसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो एक फाइन सा पेस्ट बन जाए। तो ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। हम एक एक चीज़ को जो है अच्छे से ग्राइंड करेंगे, और फिर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक बड़े बर्तन के अंदर। तो ये दलिया जो है अच्छे से पिस चुका है, आप देख सकते हैं। बस ऐसे ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, जिसे हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे नॉर्मल जो मिक्सर ग्राइंडर का जार होता है उसमें भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से पिस जाता है। हमने जो दाल उबलने रखी थी वो भी काफ़ी अच्छे से मैश हो चुकी है, गल चुकी है। अब जो हमने चावल और दलिया का मिक्सचर पीसा है वो उसमें ऐड कर देंगे। बेसिकली हम इसमें जो सभी चीज़ें हम बनाएंगे वो धीरे धीरे करके ग्राइंड करते जाएंगे और एक बड़े बर्तन में ऐड करते जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मिक्स कर दी है मैंने। इसमें मैंने जो है 3 से 4 मीडियम प्याज ली है, जिसे हम बारीक काट कर फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। उसे अच्छे से ग्राइंडर में पीस लीजिए।
गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो बोटी वाला नरम गोश्त लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया था। अब जो है इसे हम एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो मैंने प्रेशर कुकर में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जैसे नॉर्मल हम ग्रेवी बनाते हैं वैसे ही हम सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूंगी गोश्त के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 चम्मच। 2 बड़े चम्मच जो है हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, जितना आप तीखा खाना चाहें, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड करेंगे हलीम के अंदर। तो 2 बड़े चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड किए। साथ में जो है 2 बड़े चम्मच धनिया डालूंगी मैं इसमें। आप हल्दी डाल दीजिए इसमें 1 चम्मच। ये जो बेसिक मसाले होते हैं जो हम गोश्त बनाने में डालते हैं वही हमने इसमें ऐड किए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है भरकर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसमें डालेंगे गोश्त में, तकरीबन 200-300 ml पानी मैंने इसमें डाला है, क्योंकि गोश्त को गलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं। अब जो हमने प्याज पीसी थी उसका जो पेस्ट था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मटन मसाला, कोई भी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हम मटन मसाला इसमें डाल करें, अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। हम इसमें 2 बड़े चम्मच डालेंगे किसी भी ब्रांड का मटन मसाला, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और 2 बड़े चम्मच जो है हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ें कच्ची डाली, किसी चीज़ को फ्राई नहीं किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे लिड से कवर कर हम 4 से 5 सीटी आने तक इसे अच्छे से गोश्त को करा लेंगे। 4 से 5 सीटी आने का वेट करते हैं। लिड कवर कर दी है मैंने। 4 से 5 सीटी आने के बाद अब जो गोश्त को हम चेक कर लेंगे, जो पीसेस हैं काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम जो है इस मसालों में से बोटियों को अलग कर लेंगे, और जो इसका शोरबा है उसे अलग निकाल लेंगे हम। वैसे लोग जो है वो हलीम के अंदर खाली ऐसे ही पीसेस डाल के प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ, देखिए काफ़ी अच्छे से बूटियाँ गल चुकी हैं, थोड़ी रेशेदार हलीम बनना चाहिए, तो मैं इसको हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी ग्राइंडर में, जिससे इसके हल्के हल्के रेशे हो जाएंगे। यकीन मानिए खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप ये वाला मेथड एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। रेशे जो हैं बहुत अच्छे से बिखर चुके हैं। अब हम इन रेशों को भी हलीम के अंदर ऐड कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों के साथ। और जो उसकी ग्रेवी थी जो हमने शोरबा रखा था वो भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। सभी चीज़ों को जो है तेज़ आंच पर पकाना है, जब तक इसमें अच्छे से 2 से 3 बॉयल ना आ जाए हम तेज़ आंच पर पकाएंगे। फिर हम जो है फ्लेम को कर देंगे स्लो टू मीडियम पे। हम इसे तकरीबन आधे घंटे तक घुटने देंगे, ताकि अच्छे से जो है घुटता जाएगा, उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। मैंने इसमें जो है मटन की जो ग्रेवी थी शोरबा वो भी इसमें ऐड कर दिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाइए और इसे पकाते जाइए। इन सभी चीज़ों को मैंने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि आराम से कुक हो सके अच्छे से। हलीम को जितना ज़्यादा आप पकाएंगे खिचड़ी को, उतना ही अच्छा टेस्ट देता है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर जो है अच्छे से चलाते जाइए, वरना ही नीचे चिपक जाएगा। अब जो हमने इसमें हरी मिर्ची काटी थी वो डाल देंगे। तो आपके टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो है गरम मसाला, जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग आता है। तो 2 बड़े चम्मच भर के मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी। आप चाहें तो खड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन गरम मसाला अगर आप पीस के डालेंगे तो उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स होने देंगे। अब फाइनली हम इसमें घी, आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑयल घी वो वाला ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, और इससे बहुत ही अच्छी इसमें एक फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो मैंने 200 ml ऑयल इसमें डाला है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई करा था, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा खिचड़ी के अंदर। बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाइए, और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाएंगे आधे घंटे तक। बीच बीच में आप इसे हिलाते जाइए, वरना बहुत जल्दी चिपक जाता है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर, यानी कि पुदीना। बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएं, बीच बीच में इसको चलाते जाएं। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब 15 से 20 मिनट और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। हलीम जितना ज़्यादा पकता है उतना ज़्यादा गाढ़ा होता जाता है।
तो उसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। तो इसे पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो बस अभी हलीम बनके रेडी हो गया है, अब इसे हम चलिए सर्व करते हैं। बस खिचड़ा बनके तैयार है हमारा। बस इसे हम फाइनल गार्निशिंग देंगे, जिसमें मैंने तली हुई प्याज ऊपर से डाली है, पुदीना और हरा धनिया जो है चॉप किया हुआ वो भी डाला है, और थोड़ी सी हरी मिर्ची गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से डाल देंगे। और ये हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार खिचड़ा बनके रेडी हो चुका है, आप इसे इंजॉय करिए। इसमें थोड़ा सा ऊपर से लेमन जूस और पिसा हुआ गर्म मसाला और डालिए, इसका टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।